का है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है ये साधना टॉप है, यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि बर्फ़ कितनी मौजूद है। हालांकि 3 से 4 फुट जो है इस वक्त बर्फ़ जमी हुई है, हालांकि सड़कों पर भी जो बर्फ़ जो है मौजूद है, लेकिन यहाँ का जितने भी ड्राइवर हजरात है, खासकर अगर हम एम्बुलेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर हेल्थ सर्विस को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ मुलाजिम इस वक्त मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन साहब आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में, बताइए आप हमें बताइए कि यहाँ पर जो है इस वक्त आप कंगार से आ रहे हैं जी, तो कितना मुश्किलात आपको होता है जब आपको कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार होता है या कोई इमरजेंसी होती है, कितना मुश्किल सर? बहुत मुश्किल हो रहा है, काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आप खुद भी देख रहे हैं कितना बर्फ है, रोड है वो रोड ये जो है बहुत रिस्की रोड है, कहीं भी गाड़ी भाग सकती है, तो कहीं भी हमें कहीं भी अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए। अक्सर बेशतर आपने सुना होगा कि बर्फ़ में यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, पिछले साल भी कुछ गाड़ियाँ यहाँ नीचे गए हैं। तो लेकिन बीकन भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें जम जाता है, जब रोड जम जाता है, ये बर्फ़ जम जाता है तो गाड़ी स्लिप करती है, तो हमें तो आना जाना पड़ता है। लेकिन अब गवर्नमेंट का आर्डर है, हमारे BM साहब बोलते हैं नहीं चले जाइए, आप ड्यूटी पे जाइए, काम करना पड़ता है जी। हाँ, लोगों की आप खिदमत करते हैं, तो आप हमें बताइए इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? लोगों की खिदमत तो करनी है सर, हमें तो हमारा तो काम है ये, हम तो आप कहाँ से आ रहे हैं? हम इस वक्त टंगडार से आ रहे हैं सर, हम टंगडार से जा रहे हैं और कुपवाड़ा हॉस्पिटल जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमें वहाँ सप्लाई लेनी है सर। तो किन किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है, अगर हम पेशेंटों की बात करें, आने या जाने में कितने मुश्किल आपको उठाने पड़ते हैं? बहुत हद से ज़्यादा सर, बहुत हद से ज़्यादा है सर, रिस्क है सर, रिस्क है। इस वक्त भी आप खुद भी देखिए सर, गाड़ी स्लिप कर रही है सर जी। तो रोड भी है, वन वे है, कहीं भी गाड़ी फिसल भी सकती है। मुकामी एक ड्राइवर मौजूद है जो टंगडार का रहने वाला है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस रोड पे इनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी आपका खैर मकदम गुलिस्तान न्यूज़, आप हमें बताएं कि आपको कितना मुश्किल हो जाता है जब आप टंगडार से निकलते हैं किसी एमरजेंसी की वजह से? सर बहुत मुश्किल होता है जी, तो चैन लगाना ही पड़ता है यहाँ पर, और रोड का कंडीशन देखो आप, ये बहुत स्लिप होता है इस रोड पर, गाड़ी कहीं भी जा सकती है, ड्राइवर के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, और स्लाइड का सबसे ज़्यादा खतरा है स्लाइड का सर। सब चाहते हैं टंडल सर जी, हमें टंडल की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे, हमें टंडल होना चाहिए सर। तो इससे पहले मतलब कई हादसात भी इस इलाके में? बहुत हादसात हुए, पिछले साल हुए, 5-6 आदमी मारे गए, एक्सीडेंट हो गया यहाँ साधना के पास, उसके पहले भी हमारा एस टीम साहब गाड़ी के नीचे आ गया स्लाइड के नीचे पिछले साल, तो बहुत हादसे होते हैं यहाँ इस रोड पर सर, हमें सिर्फ मांग हमारी टंडल सर जी सर। तो नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि हालांकि टंगडार के आवाम ने कई बार जो है आला हुकाम से अपनी जो है टंडल के बारे में कई बार उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहजाज किया, टंगडार के लोगों का यही मानना है कि इस इलाके को जल्द से जल्द जो है टंडल एक होनी चाहिए, ताकि ये जो हादसात हो जाते हैं इस रोड पे वो कम हो सकते हैं, और ख़ासकर इस बर्फ़बारी में इनको दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। अगर हम बात करेंगे बीमारों को भी काफ़ी मुश्किल होते हैं, या स्टूडेंट वगैरह जितने भी लोग हैं जिनको भी इमरजेंसी होती है, वो अब रिस्क लेने पे मजबूर हो जाते हैं और कुपवाड़ा की तरफ जो है रुख करते हैं। मैं साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, साधना टॉप, कुपवाड़ा।